पिछले कुछ दिनों में आपने जरूर देखा होगा कुछ फेमस लोग जिनका कहीं ना कहीं एक अच्छा सोशल इंपैक्ट रहा, लोग उन्हें जानते थे, फॉलो करते थे, लेकिन न्यूज आई कि उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे कि ब्रिटेन की अल्फ्रेड विलियम बेस्ट कंपनी के मालिक बिलियनियर अल्फी बेस्ट, ब्राजील के फेमस फाइटर नेसेमेंटो, रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी, अमेरिका के फेमस रैपर डर्क डायरेक्ट, फेमस इंटरनेट सेलिब्रिटी एंड्रयू टेट, विवियन डिसेना, हिलेरियन हैगी, इंडियन यूट्यूबर परम सिंह, इतने ज्यादा नाम है कि बता पाना मुश्किल है। लेकिन एक सवाल आता है कि इस्लाम में ऐसा क्या है कि लोग इतनी तेजी से मुसलमान हो रहे हैं, दूसरे धर्मों को छोड़कर इस्लाम अपना रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो एक ऐसा टाइम भी चल रहा है जिसमें इस्लामोफोबिया भी अपने चरम पे है, लेकिन फिर भी लोग, और वो भी इंटेलेक्चुअल पीपल, बाकी धर्म के कंपैरिजन में इस्लाम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन क्यों है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद हमैद है। आज जो मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ वो वीडियो है इस्लाम की वो सच्चाई जिसकी वजह से इस्लाम दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाला मजहब बन गया है। तो चलिए बगैर ताखिर किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पिछले कुछ दिनों में आपने जरूर देखा होगा कुछ फेमस लोग जिनका कहीं ना कहीं एक अच्छा सोशल इंपैक्ट रहा, लोग उन्हें जानते थे, फॉलो करते थे, लेकिन न्यूज आई कि उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जैसे कि ब्रिटेन की अल्फ्रेड विलियम बेस्ट कंपनी के मालिक बिलियनियर अल्फी बेस्ट, ब्राजील के फेमस फाइटर नेसेमेंटो, रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी, अमेरिका के फेमस रैपर डर्क डायरेक्ट, फेमस इंटरनेट सेलिब्रिटी एंड्रयू टेट, विवियन डिसेना, हिलेरियन हैगी, इंडियन यूट्यूबर परम सिंह, इतने ज्यादा नाम है कि बता पाना मुश्किल है। लेकिन एक सवाल आता है कि इस्लाम में ऐसा क्या है कि लोग इतनी तेजी से मुसलमान हो रहे हैं, दूसरे धर्मों को छोड़कर इस्लाम अपना रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो एक ऐसा टाइम भी चल रहा है जिसमें इस्लामोफोबिया भी अपने चरम पे है, लेकिन फिर भी लोग, और वो भी इंटेलेक्चुअल पीपल, बाकी धर्म के कंपैरिजन में इस्लाम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन क्यों है। इस वक्त पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई, जिसमें क्रिश्चियन 31.11%, मुस्लिम 24.9%, सेक्युलर, नॉन रिलीजियस, एग्नोस्टिक, एथिस्ट, इन सब की पॉपुलेशन 15.58%, हिंदू 15.16% और बाकी बचे 13.25% में सभी रिलीजन आते हैं। दुनिया में पहली सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में रहती है, दूसरी पाकिस्तान में और तीसरी इंडिया में। पीयू स्टडी के मुताबिक 2050 तक इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश होगा, लेकिन अगर आप वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो इस्लाम का ग्राफ लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा, और साल 2050-2060 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन बन जाएगा। जापान, यूरोप, फ्रांस, अमेरिका, इंडिया जैसे कई देशों में इस्लाम सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला धर्म बन गया है। तो अब सवाल आता है कि आखिर इस्लाम इतनी तेजी से क्यों आगे बढ़ रहा। तो इसका पहला रीजन जो हमेशा से बताया गया कि मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है, बाकी रिलीजन के कंपैरिजन में मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, यही वजह है कि मुसलमान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के सर्वे के मुताबिक मुसलमानों के बीच फर्टिलिटी रेट भी कम हुआ है। दूसरा रीजन, दूसरे धर्म के लोग तेजी से इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पर डे कहीं ना कहीं से न्यूज आती है किसी फेमस इंडिविजुअल ने इस्लाम धर्म अपना लिया। कहीं कोई फेमस बिलियनियर होता है, तो कभी कोई फेमस फाइटर, तो कभी कोई फेमस रैपर, सेलिब्रिटी। ये उन लोगों की खबरें होती है जो कहीं ना कहीं फेमस होते हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इस्लाम अपना तो रहे हैं, लेकिन आम लोग होने की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर या न्यूज पोर्टल पर जगह ही नहीं मिल पाती। एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको बताते हैं, द न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमेरिका के टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में 25% कन्वर्टेड मुस्लिम है, और एक एस्टिमेट के हिसाब से करीब 20,000 से ज्यादा अमेरिकी हर साल इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इसी तरह ब्रिटेन में करीब 6,000 लोग इस्लाम धर्म में शामिल हो जाते हैं। जापान भी एक ऐसा देश है जहां लोग तेजी से इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। वसेदा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में जापान में मुसलमानों की आबादी डबल से भी ज्यादा हो गई, जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा जापानी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन 2 बिलियन मार्क को क्रॉस कर गई, जिसमें एक बड़ा नंबर कन्वर्टेड मुस्लिम का है। अब सवाल आता है कि आखिर लोग इस्लाम में कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या है इस्लाम में। तो इसका कोई एक जवाब नहीं। इस्लाम कबूल करने वाले लोगों से जब पूछा गया कि आपने इस्लाम क्यों कबूल किया, तो ज्यादातर लोगों ने अलग अलग रीजन बताया, लेकिन एक जो कॉमन रीजन देखा गया वो था कि जब कोई नॉन मुस्लिम किसी ऐसे मुस्लिम के कॉन्टेक्ट में आया जो एक्चुअल मुस्लिम था, इस्लाम के बेसिक्स को फॉलो करता था, तो उसे देख के वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते और इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश करते, जिसमें कुछ ऐसी चीजें उन्हें मालूम चलती जो एक नॉन मुस्लिम के लिए बड़ी सरप्राइज होती। फॉर एग्जांपल, सोशल इक्वालिटी। बाकी धर्मों में देखा जाता है कि एक इंसान को दूसरे इंसान के आगे काफी नीचा दिखाया गया, जैसे इंडिया में जातियों में बांट दिया गया, उसमें भी कैटेगरी बना दी गई और सबसे कमजोर कास्ट कैटेगरी को शूद्र बताया गया। ऊंची कास्ट के लोग उन्हें अछूत मानते, उनके हाथ का पानी तक नहीं पीते। इसी तरह दूसरे धर्मों में काले गोरे इंसान को लेकर डिस्क्रिमिनेट किया गया, काले
लोगों को गुलाम बना लिया जाता, उनकी पिटाई भी होती और उनसे जानवरों की तरह काम भी लिया जाता। ऐसे में जब कोई नॉन मुस्लिम जिसे सोशल जस्टिस नहीं दिया गया था उसने इस्लाम को पढ़ा और पाया कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने किसी बिलाल नाम के काले गुलाम को न सिर्फ आजादी दिलाई बल्कि आजादी के साथ साथ बाकी मुसलमानों के आगे बिलाल को काबे की छत पर अजान कहने के लिए खड़ा कर दिया। इसके अलावा जब लोगों ने प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की एक स्पीच के बारे में जाना जिसमें उन्होंने कहा था एक अरेबियन किसी नॉन अरेबियन से सुपीरियर नहीं और ना ही कोई नॉन अरेबियन किसी अरेबियन से सुपीरियर है, ना कोई काला किसी गोरे से सुपीरियर है और ना ही कोई गोरा किसी काले से, यह जानने के बाद कि इस्लाम में कोई ऊंचा नीचा नहीं, इस एक पॉइंट की वजह से ना जाने कितने लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरा रीजन फॉरगिवनेस। इस्लाम में माफ कर देने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ा शानदार है। जब लोगों ने उसे जाना तो वो भी उन्हें बहुत पसंद आया और लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को एक पूरी कम्युनिटी बुरा भला कहे, उसे बायकॉट कर दे, यहां तक कि उसे जान से मारने की कोशिश करे, तो रिएक्शन ये होगा कि जब भी उसे उस कम्युनिटी पर कंट्रोल मिलेगा वो अपना बदला जरूर लेगा। सारे लोगों से ना सही लेकिन उन लोगों को जरूर टारगेट करेगा जो उसके खिलाफ उसके ही लोगों को भड़काते थे, उसे मार के लाने वाले को इनाम देने की बात कहते थे। आमतौर पर यही देखा जाता है लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री में इसके जस्ट उल्टा है। 7th सेंचुरी में जब इस्लाम की शुरुआत हुई उसके कई सालों बाद तक करीब 10 साल बताया जाता है, इस पीरियड में टोटल 40 से कम मुसलमान थे। उस टाइम अरब के जो पावरफुल लोग थे वो मुसलमानों को परेशान करते, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को जान से मारने की प्लानिंग करते, उन्हें जान से मार देने वाले को इनाम देने का वादा करते। यहां तक कि उस टाइम जितने मुसलमान थे उन सभी का सोशल बायकॉट कर दिया गया और 3 साल तक अबी तालिब नाम की एक पहाड़ी पर कैद कर दिया गया और मक्का के सरदारों ने यह अनाउंस कर दिया कि कोई भी मुसलमानों को कोई सामान न बेचे और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। 3 साल बाद बायकॉट पीरियड खत्म हुआ लेकिन मक्का के लोग मुसलमानों को अभी भी टारगेट करते। सिचुएशन को देखते हुए 622 ईडी में मुसलमानों को मक्का से मदीना की तरफ जाने के लिए कहा गया जिसे इस्लामिक हिस्ट्री में हिजरत कहा जाता है। हिजरत मींस माइग्रेशन। मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना चले गए। उस टाइम मदीना को यसरब कहा जाता था लेकिन मक्का के सरदारों का मानना था कि इस्लाम को पूरी तरह से अगर खत्म करना है तो उसके लिए सारे मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए। इसी इंटेंशन के साथ मुसलमान और मक्का के सरदारों की फौज के बीच पहली जंग लड़ी गई जिसे जंगे बद्र कहा जाता है। इस जंग में मुसलमानों की जीत हुई और इसी हार का बदला लेने के लिए एक बार फिर मक्का के सरदारों की फौज निकली और इस्लाम की दूसरी जंग लड़ी गई जिसे जंगे उहूद कहा जाता है। लेकिन 10 साल बाद जो मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे वो एक मजबूत ताकत बनकर मक्का में वापसी करते हैं। उस टाइम मक्का के उन सरदारों में ये डर फैल गया कि हमने तो मुसलमानों को बहुत टॉर्चर किया है, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को जान से मारने की कोशिश करी है, आज मुसलमान हमसे ज्यादा पावरफुल हैं और अब वो हमें नहीं छोड़ेंगे। इस डर से बहुत से लोगों ने सरेंडर कर दिया और बहुत से लोग मक्का छोड़कर भाग गए। लेकिन जब प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने अपनी बात कहनी शुरू करी तो लोगों ने जो सोच रखा था वो उसके जस्ट उल्टा था और एक पब्लिक अनाउंसमेंट करी गई कि जिन जिन लोगों ने मुसलमानों को परेशान किया था, मुसलमानों को मारा था, मक्का छोड़कर मदीना जाने के लिए मजबूर किया था, उन सभी को माफ किया जाता है। ये एक सेंटेंस इतना इफेक्टिव साबित हुआ कि जो पहले इस्लाम को खत्म करना चाहते थे उन सभी ने इस्लाम कबूल कर लिया और आज भी इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा है कि जब कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम के इस चैप्टर को पढ़ता है तो इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होता है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है बिहेवियर। आज सोशल मीडिया पर इस्लाम की जिस इमेज को प्रेजेंट किया जा रहा है वो इस्लाम की रियलिटी नहीं। हालांकि मैं ये भी क्लेम नहीं कर रहा कि इस्लामिक बेसिक्स के अकॉर्डिंग सारे मुसलमानों का बिहेव अच्छा है। इस्लाम तो कहता है कि शराब पीना हराम है और शराब सभी बुराइयों की माँ है, लेकिन फिर भी आज का मुसलमान शराब के ठेकों की लाइन में आपको लगा हुआ दिखाई देगा। बट अनदर हैंड कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी हैं जिनका बिहेव एज इट इज इस्लामिक बेसिक्स के हिसाब से आज भी है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम अपने मानने वालों को कहता है कि अगर तुम्हारे घर में एक रोटी हो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि उसमें से आधी रोटी अपने पड़ोसी को दो। इस बात को मेंशन नहीं किया गया है कि पड़ोसी मुसलमान हो तभी दो, बल्कि कोई भी हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, आपको उसके साथ वैसे ही बिहेव करना है। और आज के टाइम पर जब कोई नॉन मुस्लिम किसी एक्चुअल मुस्लिम के बिहेव को ऑब्जर्व करता है तो वो उसके बिहेव से अट्रैक्ट होता है और ये रीजन इस्लाम को इतनी तेजी से आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा जस्टिस, टॉलरेंस, पेशेंस, पीस, डे ऑफ जजमेंट और भी बहुत से रीजन है जिस वजह से लोग इस्लाम को बाकी धर्म के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और ये जो आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें इस्लामोफोबिक एडवर्टीजमेंट भी इस्लाम की मदद खूब कर रहा है, क्योंकि जब लोग एंटी इस्लामिक क्लेम करते हैं तो इसका इंपैक्ट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से होता है। निगेटिव ये कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी में इस्लाम को लेकर नफरत बढ़ती है, जबकि इसका पॉजिटिव साइड ये है कि लोग उस एंटी इस्लामिक क्लेम को क्रॉस चेक करने के चक्कर में इस्लाम को पढ़ना शुरू कर देते हैं जिसमें उन्हें अभी बताए गए पॉइंट्स मिलते हैं जो कि क्लेम से रियलिटी बिल्कुल अलग होती है एंड इवेंचुअली दे एक्सेप्टेड इस्लाम। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर हाँ तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचता रहे। वस्सलामु अलैकुम।